Yes. Comrades, want any translation to be done? Because there is no sufficient time. I think we will go to the next program. I can Hindi, eh? Sometime I can brief in Hindi. That I can do. Comrade General Secretary will do it in Hindi now. कॉमेडे जस्ट बिकॉज नॉट इन डिटेल्स मैं अभी हिंदी में बता सकता हूँ क्योंकि बहुत से कॉमेडे हिंदी वाले हैं, हरियाणा पंजाब महाराष्ट्र हिंदी वाले हैं. मैं ब्रीफ से मैं यही कह रहा था कि कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए कि हमने 5 साल पहले रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी का गठन किया चंडीगढ़ में. उससे पहले हम डिफरेंट ग्रुप में काम करते थे, लेकिन फिर फैसला किया हम लोग एक पार्टी में आए. वहाँ चंडीगढ़ पार्टी कॉन्फ्रेंस में हमने पार्टी का प्रोग्राम बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और पार्टी की समझदारी बना के लोगों के सामने हम लोग आए. हमारा प्रोग्राम अलग प्रोग्राम है, उसकी बहुत सी फाउंडेशन CPM के 64 के प्रोग्राम के अनुसार है. वो अच्छी फॉर्मेशन है, हम उनको रिटेन कर रहे हैं, हमने उनको आगे लेके गए हैं. लेकिन कुछ नई बातें हमने इस प्रोग्राम में दी हैं जो पहले किसी प्रोग्राम में नहीं थी, या जिसको बर्बाद कर दिया था CPM ने, हमने उसको न्यू ढंग से एक रेवोल्यूशनरी वे से अपने प्रोग्राम में डाला. उसके बारे में हम चिंता बाद में कर सकते हैं, प्रोग्राम हमारे पास है. तो मेरा कहने का, उस पार्टी बनाने के बाद फिर हमने यत्न किया कि देश भर में हम लोग अलग अलग स्टेट्स में लोगों के मुद्दों के ऊपर संघर्ष करें. इस बात के लिए हमने महाराष्ट्र में किया. केरला में काम करना बहुत मुश्किल है हमारे केरला में, क्योंकि यहाँ CPM रूलिंग पार्टी है. वो रूलिंग पार्टी कम्युनिस्टों जैसा बिहेव नहीं करती जैसे मोदी देश भर में बिहेव करता है. CPM के नेता हमारे साथ यहाँ केरला में बिहेव करते हैं. वो आप देख ही सकते हो कि चंद्रशेखर का मर्डर किया और उसके बहुत से कातिल जेल में बंद हुए कराए गए हो गए वो जेल में बंद, लेकिन उन कातिलों को अभी भी पैरोल के ऊपर छोड़ा जाता है. जैसे सरकार उनकी है, गवर्नर से बात करके वो बाहर आ जाते हैं. तो यहाँ कल भी आपने देखा कि बहुत से CPM के लोग बिना कोई प्रोग्राम के यहाँ जैसा स्लोगन लगाते लगाते घूमते थे ताकि लोगों में एक डर का माहौल पैदा किया जा सके. यहाँ की CPM किसी को टॉलरेट नहीं करती, इसलिए यहाँ काम करना और भी मुश्किल है. तो लेकिन हमारे साथियों ने RMPA बनने के बाद यहाँ काम भी किया और कामड़ रेमा जो कामड़ चंद्रशेखर की वाइफ है वो हमारी पार्टी की ओर से लेफ्ट लोगों के साथ मिलकर हमने चुनाव लड़ा और वो MLA बन गई. कामड़ रेमा हमारे पास है. कामड़ रेमा को आप सोच नहीं सकते कि गाली निकाली गई. हमारे कामड़ वेनू को कई बार मारने का यत्न किया गया, हमारे दफ्तर जला देते हैं वो बहुत से. एक बार हमको AKG बमर के सामने धरना मार के बैठना पड़ा क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने रेमा को बहुत गंदी गाली निकाली. तो मैंने प्रकाश कर्त को बोला कि ये ऐसा ठीक नहीं लगता, आप ऐसी तरह गाली निकालो. मेरा कहने का कि केरला के साथियों की बहादुरी का हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं. उन्होंने ये कहा कि हम पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि 4 दिन के ये प्रोग्राम में आप यहाँ कोई नई बातें सुनोगे. रात आपने देखा होगा प्रोग्राम, वो भी देखा. अभी लास्ट में रैली होगी, वो लोग आएंगे और मेरा एक अच्छा एक इतनी मुश्किल हालत में भी हमारे साथी काम करते हैं, हम इनका सम्मान करते हैं. तीसरा, हमारे दूसरे प्रांतों में भी महाराष्ट्र में तमिलनाडु में हमारे साथियों ने स्ट्रगल किया. बहुत बड़ा स्ट्रगल हमारे किसान आंदोलन हुआ जो देश में, जो पंजाब से शुरू हुआ. 1-3 लॉज सरकार ने बनाए और मांगों के ऊपर वो पंजाब से 32 ऑर्गेनाइजेशंस एक किसान आंदोलन बना के आगे बढ़ी. पंजाब से गुजरते गुजरते दिल्ली तक आई और दिल्ली के जो सरहद है, 1 साल से ज़्यादा समय तक लोग वहाँ बैठे रहे, हज़ारों लोग. उनके साथ में हरियाणा के साथी आ गए. हरियाणा में अच्छी बात यह है कि जो वहाँ किसान ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे साथी जो हैं वो सबसे आगे बढ़ के काम करते हैं, सबको यूनाइट करने वाली ताकत है. हमारे पंजाब के साथ एक नया फोर्स हमारे पास हरियाणा के साथियों को आया, जिन्होंने दिल्ली में बहुत ही कमाल का एक मोर्चा बना के रखा. उसके बाद हम देखा कि UP में, राजस्थान से, सारे देश भर के किसानों ने कहीं ने जाके वहाँ कुछ किया, कहीं ने अपने अपने प्रांत में कुछ किया. एक आंदोलन देश भर में भी हुआ और दुनिया भर में हुआ. एक किसान आंदोलन शुरू होने के बाद
सारी दुनिया में, यूरोप में भी किसानों ने अपने अपने मांगों के लिए संघर्ष किया, इंस्पिरेशन लेके कि भारत के किसान लड़ रहे हैं। और बहुत सी बार सी मदद आई लोगों में, पैसे की हर तरह की मदद आई। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने का बड़ा यत्न किया, कभी इसको नक्सलवाड़ी कहा, कभी इसको ये कहा खालिस्तान वाले हैं, कभी अपने एजेंट को छोड़ दिया। 26 जनवरी को हमारे लाखों ट्रैक्टर वहाँ तैयार खड़े थे, जो दिल्ली में मार्च करना था, वो हिस्टोरिक मार्च होता दुनिया का, लेकिन उसी दिन एक आदमी अपने एजेंट को लेके वो लाल किले के ऊपर चले गए, वहाँ जाके खालिस्तान का झंडा चला दिया बदनाम करने के लिए। सारा नेशनल टीवी कहने लगा, देखिए ये तो खालिस्तान है, खालिस्तान है। मेरा कहने का आपने प्रोवोकेशन बहुत की, कई बार गुंडागर्दी की, लेकिन हमारे साथियों ने मिल मंडाने में सब लोगों को बड़ा अच्छा काम किया, लीडिंग भूमिका की। और वहाँ कभी मतभेद भी आता था तो बीच में बैठ के अपनी बात को ख़त्म करते थे, जो फैसला होता था उसको आगे लेकर लागू करते थे। इतना बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो मतभेद तो आ सकता है, लेकिन लोग इतने साथ में थे, लोगों ने पूरा मदद किया, वो एक हिस्टोरिक किसान आंदोलन लड़ा गया। तो मेरा ये कहने का कि ये 5 साल में हमारे साथियों ने कोशिश की है कि अलग अलग मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़े। हमारा जो काम है, अभी पहले थोड़े स्टेट्स में था, लेकिन अभी हमारा नया काम जम्मू कश्मीर से, हमारे बहुत अच्छे साथी जो हमारे साथ से काम करते थे, आज वो पार्टी ज्वाइन करके आए हैं, काम मकबूल, वहाँ हमने कमेटी बना दी है, काम शुरू कर दिया है। इसी तरह हमारे पास छत्तीसगढ़ के साथी आए हैं जो वहाँ काम करते हैं, बिहार के साथी भी आएंगे, जा आ गए जा आ जाएंगे। हमने कुछ काम यहाँ साथ में हिमाचल में और कुछ राजस्थान में भी करने का शुरू किया। ये बड़ा काम नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ जो बहुत बड़ी पार्टी बना ली, लेकिन हमारा काम शुरू हो गया बहुत सी जगह। हरियाणा कब था इतना, जब जैसे हम देख रहे हैं आज, लेकिन लोगों ने ये साथ दिया, तो हरियाणा में हमने 5-6 जिलों में पार्टी का काम शुरू कर दिया, नहीं तो पहले हमारा काम एक ही ज़िला में होता था। तो मेरा कहने का कि ये दूसरे स्टेट्स में भी हमारे पहले से ज़्यादा साथी आए हैं। तो मेरा कहने का कि अभी देश की हालात बहुत बुरी है, हमने 3 काम सामने रखे हैं। एक तो है कि अपनी पार्टी को मजबूत करना, पार्टी का नाम रख के बना लेना, पार्टी की कमेटी चुन लेना, पार्टी का प्रोग्राम बना लेना, यही काम नहीं होता। पार्टी को बाद में एक रेवोल्यूशनरी पार्टी बनने में बहुत मेहनत लगती है, वो अपने विचार करेंगे हम लोग। दूसरा काम है कि पार्टी ने लेफ्ट पार्टी को एकत्र करने का यत्न किया, उसमें MCPAU के साथ हमारा यूनिटी का मूव चल रहा था, बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। अभी हमारे प्रोग्राम पे कोई मतभेद नहीं आपस में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई मतभेद नहीं है, लेकिन एक बुरी बात हो गया, अनफॉर्चुनेट बात हो गई कि कामरान मोहम्मद गौस इस पीरियड में वो हमारे साथ नहीं रहे। बहुत ही ऑनेस्ट कॉमरेड, बहुत लगे हुए थे रात दिन कि हमारा हो जाए, सब यूनिफिकेशन हो जाए। लेकिन हमें आशा है पूरी कि इस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग करेंगे, और हमारे साथी आके कामड़ बैठे हैं अशोक जी, जनरल सेक्रेटरी MCPAU के, वो साथ में रहेंगे हमारे, हम ये यूनिटी बनाने में कामयाब होंगे। तो एक पार्टी को मजबूत करना और यूनिफिकेशन करके फिर पार्टी को आगे बढ़ाना। दूसरा काम, जो लेफ्ट ग्रुप्स हैं देश के, उनके साथ अपना यूनाइटेड स्ट्रगल करना। लेफ्ट ग्रुप सारे इकट्ठा हो जाएं, ये एक नारा अच्छा है, ये बेसिक बात है, लेकिन यदि लेफ्ट अपना बेस एक्सपेंड नहीं करता, इसको प्रभाव को नहीं बढ़ाता, तो मौजूदा लेफ्ट की यूनिटी भी ज़्यादा असर नहीं डालेगी। इसलिए लेफ्ट की यूनाइट करने के बाद हमें स्ट्रगल करना होगा फिर, और नए नए रास्ते चुनने होंगे, नए लोगों के पास जाना होगा, ताकि हमारा एक बड़ा आंदोलन बढ़े। इसलिए लेफ्ट यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आज की परिस्थिति बहुत मुश्किल है। देश में सरमाएदार जागीरदार की सरकार तो है, बड़े पूंजीपति की, और साम्राज्य के साथ वो कंप्रोमाइज भी कर रही है, लेकिन ये सरकार पहली बार है कि इस देश में वो पार्टी की सत्ता में है जो देश के मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस को डूंगा करने के साथ साथ इस देश के धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र ढांचे को तबाह करना चाहती है। आरएसएस कब्जा करके बैठी है स्टेट पावर में, वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। ये बहुत एक बड़ी बात है, जब ये देश धर्म के आधार के ऊपर बन जाएगा तो फिर डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, जो हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष ढांचा है वो नहीं बचेगा, तो फिर देश का क्या बनेगा। उसका काम शुरू हो गया है, बहुत खतरनाक अवस्था है, माइनॉरिटीज़ को अटैक कर रहे हैं, धार्मिक जो कम गिनती लोग हैं, मुसलमानों से काम शुरू किया, वो ज़िंदगी कैसे निकाल रहे हैं। आप 2 दिन पहले आपने देखा कि 2 नौजवान राजस्थान के आए कि उनके पास बीफ है, उनके पास मीट है, तो बिना देखे उसको मारा, इतना मारा, वो मरने वाले हो गए,
बाद में दोनों को गौ रक्षा वालों ने जीवित जला दिया, दोनों को गाड़ी में आग लगा दी। उनका एक मुख्यमंत्री कहता है कि मैं गाय का मीट खाऊंगा मेघालय में, लेकिन यहाँ दो नौजवानों को, एक नहीं है, आप रोज घटना देखते हो कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसी ढंग से ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है। सिखों के बारे में भी आएगी लाजमी, सिखों के बारे में उनके मन में बहुत गुस्सा है, ये आंदोलन के बाद भी ज़्यादा गुस्सा बढ़ा है। तो मेरा कहने का भाई ये भी उनका एक काम है। और फिर वो हो जो दूसरा है, जो अनटचेबल्स हैं, जो इसको हम बोलते हैं जी हमारे नीचे वाले जाति वाले लोग, ये जो मनुवाद के साथ इनका बहुत लूट किया, इसका बहुत ही हजारों सालों से हमारा किस तरह शोषण हो रहा है, ये शोषण और बढ़ेगा, क्योंकि वो पार्टी देश में मनुवादी ढांचा लाना चाहती है। इसलिए रोज़ ये हमारे दलित भाई हैं जो उनके ऊपर हमला हो रहा है, रोज़ बढ़ता जा रहा है। तीसरा उनका हमला औरतों के खिलाफ है, क्योंकि उस सिस्टम में औरतें हैं जो ये बाजारू चीज़ हैं, ये सम्मान की चीज़ नहीं है, इसलिए औरतों के ऊपर हमला, रोज़ाना हमला चल रहा है। तो ये एक तीसरा काम है। चौथा काम ये है कि ये विचारधारा है आपकी, भगत सिंह की विचारधारा, वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं। मेरा कहने का कि देश में एक राइट शिफ्ट है, जो जैसे दुनिया में है, स्पेन में राइट शिफ्ट हुआ, कई देशों में हो जाता है, हमारे देश में भी राजनीति में राइट शिफ्ट हो गया। अभी देश का अवधान बदला जा रहा है, देश का इतिहास बदला जा रहा है, देश का जो पढ़ने का सिलेबस है वो बदला जा रहा है, और देश का जो एक धर्मनिरपेक्ष ढांचा है उसको तबाह किया जा रहा है। मोदी जो यदि देश में रहेगा तो देश का पूरा तंत्र तबाह हो जाएगा। इसलिए हमारा जो RMPS स्थिति को ये समझती है कि सबसे बड़ा हमारा आज का ये काम है कि मोदी के खिलाफ एक विचारधारा की लड़ाई, उसको गद्दी उतारने का काम एक प्रमुखता से किया जाए। केला जी इसका संबंध चुनाव से नहीं है, कोई चुनाव होगा क्या करेंगे वो देखेंगे बाद में, पहले काम तो ये है कि विचारधारा तौर के ऊपर मोदी के खिलाफ इकोनॉमिक क्षेत्र में भी और विचारधारा के क्षेत्र में भी एक बड़ा आंदोलन किया जाए। इसमें अकेले कम्युनिस्ट ना हों, वामपंथी लोग ना हों, इसमें बहुत से लोग डेमोक्रेट दूसरे लोग हैं जो दूसरे इशू के साथ हो सकते हैं, उनका एक बहुत बड़ा एकता हो। मोदी को हराएं या ना हरा सकें, इस पे देश का भविष्य बहुत निर्भर करता है, हमारी मूवमेंट भी इस पे आधारित होगी। यदि मोदी द्वारा जी जाता है तो फिर देश का कोई और स्थिति होगा, हमारी सोशल जो ट्रांसफॉर्मेशन की समझदारी है, मूवमेंट है, उसको आघात पहुंचेगा। यदि वो हम हरा देते हैं तो फिर हमारे आगे बढ़ने का रास्ता भी खुल जाता है। तो मेरा ये कहने का कि ये आज के क्रूशल मोड पर हमें ये काम, पार्टी को मजबूत करना, लेफ्ट यूनिटी को मजबूत करना और मोदी को गद्दी से उतारने का काम सेंटर में रखना, ये ज़रूरी बात है, और इसके लिए सब लेफ्ट फोर्स इकट्ठी हो रही हैं। मैं पटना में गया था, मैं इंग्लिश में नहीं बता पाया, मैं लिबरेशन के कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ सब लोग लेफ्ट के ये बात करें कि हाँ इसके बिना कोई चारा नहीं है। तो मेरा ये कहने का कि आज हम कॉन्फ्रेंस में हमारे साथी रेड स्टार के साथी आए हैं, हमारे साथ कांवड़ गौरी अम्मा राघवन जी ने जो पार्टी बनाई थी उनके साथी आए हैं, और साथ में MCPIU के साथी शोक जी आए हैं, हम उसके धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, वो अपना विचार रखेंगे और हम लगातार ही कॉन्फ्रेंस में इन मुद्दों के बारे में विचार करेंगे। इन बातों से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये ट्रांसलेशन छोटा सा था। शैल वी गो टू द नेक्स्ट प्रोग्राम नाउ? Our fraternal party's leaders will greet our conference. First, I request Comrade Ashok Omkar from MCPIU will greet now.